10 WWE सुपरस्टार्स जिनको छोड़ देनी चाहिए कंपनी और चले जाना चाहिए ऑल इलीट रेसलिंग में ताकि वो अपने करियर को बचा सकें। कौन है 10 नाम जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और हम जानते हैं कि WWE का रोस्टर जो है इस समय पे मेन रोस्टर इतना ज़्यादा स्टैक्ड है, इतने सारे सुपरस्टार्स हैं कि बहुत से नाम हैं वहाँ पे जिनको मौका नहीं मिल रहा है शाइन होने का, या फिर बहुत से ऐसे नाम हैं जिनके लिए WWE के पास समय नहीं है उनको अच्छे से क्रिएटिवली बुक करने का। और अगर ये सुपरस्टार्स चले जाते हैं ऑल इलीट रेसलिंग में तो वो एक ऐसी कंपनी है जिसको अपना रोस्टर और बड़ा करना है और उनको ज़रूरत है नए सुपरस्टार्स की, और ये नाम उनको डेफिनेटली हेल्प कर पाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से और यहां पे नाम आता है एम्बर मून का। अब मैं आपको कहना चाहूंगा गाइस कि विमेंस रोस्टर में WWE के एम्बर मून वन ऑफ द मोस्ट अंडरयूज्ड नेम्स हैं, कुछ ज्यादा में फीचर होती हुई दिखती नहीं है। एक बार NXT चैंपियन बन चुकी हैं लेकिन उस समय भी इनकी रेंज जो है ज्यादा लंबी चली नहीं थी। मेन रोस्टर पर जब ये पहली बार आई थी तो उनको पुश करा गया था और ऐसा लग रहा था कि फाइनली इनको कोई बड़े स्केल पर लेकर जाने वाली है WWE, लेकिन उसके बाद वो इंजर्ड हो गई और WWE ने प्रोबेबली उन पर गिव अप कर दिया है। फिलहाल भी वो इंजर्ड है तो हमको कोई आइडिया नहीं है कि क्या उनके लिए प्लान्स हैं, कब उनका रिटर्न हो सकता है और किस तरीके से WWE उनको बुक करेगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ में AEW के विमेंस रोस्टर की बात करूं तो हम जानते हैं वहां पे बहुत दिक्कतें और बहुत नामों की कमी है, और अगर एम्बर मून वहां पे चली जाती हैं तो उनके रोस्टर में टैलेंट ऐड होगा और साथ ही साथ एक ऐसी सुपरस्टार जिनको फैन काफी पसंद करते हैं। अगले नाम की हम बात करें गाइस तो ये आता है डॉल्फ ज़िगलर का। अब हम जानते हैं कि अपने पूरे ही करियर में डॉल्फ ज़िगलर WWE के लिए लॉयल रहे हैं। बहुत बार ऐसे रूमर्स आए हैं कि वो कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं लेकिन वो फिर से रीसाइन कर लेते हैं। 6 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, 2 बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, 1 बार वर्ल्ड चैंपियन और मनी इन द बैंक विनर रह चुके हैं डॉल्फ ज़िगलर इस कंपनी में। लेकिन अब ऐसी एक स्टेज आ गई है जहां पे मुझे नहीं लगता कि एज अ सिंगल सुपरस्टार WWE डॉल्फ ज़िगलर को कुछ ज्यादा पुश करने वाली है। लेकिन अगर वो AEW को ज्वाइन करते हैं, यानी कि कोडी रोड्स, यंग बक्स, केनी ओमेगा, इन सब के साथ वो जाके लड़ते हैं तो डेफिनेटली उनका जो सिंगल्स रेसलर का स्टॉक है वो वापस ऊपर चला जाएगा, उनकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। और वो चीज मुझे लगता नहीं है WWE में पॉसिबल है, क्योंकि विंस मैकमैन ने हमेशा डॉल्फ ज़िगलर को पुश करा है लेकिन उस नेक्स्ट लेवल तक कभी भी लेकर नहीं गए हैं, और शायद AEW में वो चीज हो सकती है। नंबर 8 नाम की हम बात करते हैं गाइस तो आता है लिस्ट में बॉबी लैशली का। एक टाइम ऐसा था WWE में गाइस जब सबको लग रहा था कि बॉबी लैशली इस कंपनी के फेस बनने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बॉडी थी, जिस तरीके से एमेच्योर रेसलिंग में उनका बैकग्राउंड था और मिलिट्री हिस्ट्री भी उनकी रही थी, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो WWE अपने टॉप सुपरस्टार में देखती हैं, बेबी फेस सुपरस्टार में देखती हैं, और बॉबी लैशली वो नाम होने वाले थे लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया और इस वजह से वो WWE छोड़ के TNA में चले गए थे और वहां पे वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स वो बने, काफी देर तक चैंपियन भी रहे। लेकिन जब उनका वहां पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो वापस आने वाले हैं WWE में, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सेम चीज उनके साथ फिर से हो रही है। WWE ने उनको एक बार फिर से साइन कराया सोच के कि वो एक बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं, लेकिन जब वो वापस आए जिस तरीके का उनको रिएक्शन मिला वो कुछ खास नहीं था। लोग चाहते थे बॉबी लैशली का मैच ब्रॉक लेसनर के साथ हो और वो मुझे कभी भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम AEW की बात करें गाइस तो लैशली एक ऐसा नाम है जो कि AEW के रोस्टर में बड़े साइज वाले सुपरस्टार को ऐड करेगा, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय ऑल इलीट रेसलिंग को। हमने देखा है किस तरीके से लुचासॉरस और जेक हेगर दो ऐसे नाम है जो बड़े स्ट्रक्चर वाले सुपरस्टार हैं, जो काइंड ऑफ जायंट्स लगते हैं, और बॉबी लैशली अगर उसमें ऐड किए जाते हैं तो वो भी एक डिस्ट्रक्शन वाले सुपरस्टार बन सकते हैं, जिसमें जैसा कि मैंने कहा AEW को काफी जरूरत है और ये चीज वहां पे उनके लिए अच्छी होगी जो कि WWE में उनको नहीं मिल रही है। नंबर 7 की हम बात करें गाइस तो आता है यहां पे नाम जैक राइडर का। अब एक समय था 2010-11 का जब जैक राइडर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टार्स चल रहे थे WWE में। उनका यूट्यूब पे एक शो आता था जिसका नाम था जी ट्रू लॉन्ग आइलैंड स्टोरी, जहां पे वो अपने आप के बारे में बताते थे। लेकिन इस आइडिया के साथ कुछ समय चलने के बाद WWE ने इसको ड्रॉप कर दिया और बेसिकली वहां से जो जैक राइडर की स्टोरी लाइन थी वो खत्म हो गई थी। एक इंसिडेंट हमें देखने को मिला था जब केन जो है वो स्टेज से नीचे फेंक देते हैं जैक राइडर को, जो कि एक व्हील चेयर पर बैठे होते हैं, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जैक राइडर पर WWE ने बिल्कुल गिव अप कर दिया है। अब भी हम देखें तो वो रिसेंटली हमें कभी कभी TV पर देखने को मिल जाते हैं, किसी स्क्वॉश मैच में फटाफट हार जाते हैं। एक बार वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए थे रेसलमेनिया में, जो कि सिर्फ एक दिन तक उनकी रेंज चली थी, तो वो अपने आप में एक ऐसी कॉमिकल चीज थी जो कि WWE ने उनके लिए करी है। तो हमें क्लियरली उनकी बुकिंग पिछले कुछ सालों में देख
देख के पता लगती है कि जैक राइडर का कोई फ्यूचर नहीं है WWE में। लेकिन अगर मैं आपको सही बात बताऊं, सच बात बताऊं गाइज, तो जैक राइडर की फॉलोइंग अभी भी काफ़ी अच्छी है और लोग चाहते हैं कि जैक राइडर सक्सीड करें, लेकिन WWE में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो AEW में जाते हैं तो वन ऑफ द फैन फेवरेट सुपरस्टार बनने का उनको वहां पर मौका मिलेगा। नंबर 6 की हम बात करें गाइज, तो यहाँ पे नाम आता है EC3 का। अगर आप नहीं जानते ऑलरेडी, तो WWE में आने से पहले EC3 वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टार्स थे TNA के अंदर। वो ओहायो वैली रेसलिंग से ही ग्रेजुएट हुए हैं, जो कि WWE की डेवलपमेंटल हुआ करती थी। वहां से वो TNA के अंदर गए, जहां पर उन्होंने ईथन कार्टर III का रोल निभाया, जो कि रियल लाइफ में डिक्सी कार्टर के जो हैं रिलेटिव हैं। तो वो चीज़ काफ़ी चली थी वहां पर, लोग उनको बहुत पसंद करते थे, वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं EC3। और इस चीज़ को देख के WWE काफ़ी इंप्रेस हुई, उन्होंने साइन कर लिया इनको, NXT में लेके आए, वहां पर भी उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनको मेन रोस्टर में बुला लिया गया। विंस मैकमैन ने शायद ही सोचा था कि यार इस बंदे की बॉडी कितनी बढ़िया है, बढ़िया दिखता है, मेन रोस्टर में काफ़ी अच्छे इसको प्लान्स देंगे तो ये अच्छा कर सकता है। लेकिन वो प्लान्स कभी आए ही नहीं, और हमने देखा किस तरीके से, बहुत बुरे तरीके से EC3 का यूज़ करा गया। बैक स्टेज के सेगमेंट्स में वो खड़े हुए हैं, जहाँ पर उनका कोई मतलब ही नहीं है, उनको अजीब सी जॉबर फ्यूड में डाला जा रहा है, उसके बाद वो 24/7 चैंपियनशिप के आगे पीछे भाग रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं थी, और मुझे लगता है कि अगर EC3 का सही से यूज़ करा जाए तो बहुत अच्छे सुपरस्टार बन सकते हैं, और इसका क्लियर एग्जाम्पल हमको TNA ने दिया था। तो AEW भी ये चीज़ कर सकती है गाइज, और मुझे लगता है कि EC3 के सिमिलर वहाँ पे ऑलरेडी एक सुपरस्टार हैं, जो कि हैं MJF, जो कि एक रिच बॉय का परसोना प्ले करते हैं या फिर एक रोल प्ले करते हैं। तो वो चीज़ को एक तरीके से सिमिलर हम कह सकते हैं EC3 के बारे में भी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर EC3 एज अ सिंगल सुपरस्टार नहीं, तो MJF के साथ एक अच्छी टैग टीम भी वहाँ पर बना पाएंगे। नंबर 5 की हम बात करें गाइज, तो लिस्ट में नाम आता है सिजारो का, और मुझे नहीं लगता इस बात से कोई डिसएग्री करेगा कि अगर हम टैग टीम की बात करें या सिंगल्स की बात करें, सिजारो इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स इन WWE। इन रिंग टैलेंट जो उनका है वो गिफ्टेड है, और ऐसा लगता नहीं है कि कभी सिजारो जब मैच लड़ते हैं, अच्छे से उनको टाइम दिया जाता है, तो वो एक बेकार परफॉर्मेंस दें। रिसेंटली बहुत अच्छी टैग टीम उनकी चल रही थी शेमस के साथ, जिसका नाम था द वार, लेकिन WWE ने उसको तोड़ दिया, और अब हम जानते हैं कि किस तरीके से दोनों शेमस और सिजारो अपने अपने सिंगल्स रन पर जा चुके हैं, और दोनों का इस सिंगल्स रन कुछ खास हमें देखने को मिल नहीं रहा, स्पेशली सिजारो का, जो कि उल्टे सीधे मैचेस में इन्वॉल्व कर दिया जाते हैं। इलायस ने रिसेंटली उनको क्लीन हरा दिया स्मैकडाउन में, तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ज्यादा फोकस नहीं करा जा रहा सिजारो पे गाइज। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो AEW में जाते हैं तो वो एक ऐसे सुपरस्टार रहेंगे जिन पे सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि AEW इस बात को जानती है कि कोई सुपरस्टार अगर रिंग में इतना टैलेंटेड है तो उसको मौका मिलना चाहिए अपने टैलेंट को दिखाने का, वीक इन वीक आउट वो प्रूव करके दिखाएगा कि कितने अच्छे वो मैचेस दे सकता है, और लॉन्ग रन में वो बहुत अच्छा सुपरस्टार बन सकता है, एक चैंपियन बन सकता है, जो कि WWE ढंग से सोचती नहीं है इस बारे में। इसी वजह से मुझे लगता है कि सिजारो को जो अपॉर्चुनिटी AEW में मिल सकती है, वो आने वाले समय में WWE में नहीं मिलने वाली। नंबर 4 की हम बात करें गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है मैट हार्डी का। हमने देखा मंडे नाइट रॉ में किस तरीके से रैंडी ऑर्टन ने उनको बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, और अब हम जानते हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 मार्च को ख़त्म होने वाला है। वो रीसाइन करेंगे या फिर नहीं, इसका तो कोई चांस नहीं लग रहा है, और वो AEW में जाने वाले हैं, इसका चांस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। मैं आपको कहना चाहूँगा, मैट हार्डी और जेफ हार्डी जब वापस आए थे 2017 रेसलमेनिया 33 में, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स थी, और सब लोग पागल हो गए थे देख के। जैसे वो वापस आए, उनको टैग टीम टाइटल्स भी जितवा दिए गए, लेकिन जब वो उनका हॉट मोमेंटम वहाँ से ख़त्म हुआ, क्राउड धीरे धीरे सेटल होने लग गया, क्योंकि हार्डीज हर हफ्ते देखने को मिल रहे थे, तो WWE ने भी जो उनका पुश है वो रोक दिया, कुछ ज़्यादा उनके लिए क्रिएटिवली अच्छा प्लान बनाया नहीं है। और हम देख रहे हैं किस तरीके से अब अपने कॉन्ट्रैक्ट के एंड में मैट हार्डी तो फीचर भी नहीं हो रहे, उनको बीच बीच में ले जाया गया वापस रॉ पे, ड्रू मैकिंटायर से वो हार गए, एक दो बारी वो और बॉचेज में आए, एरिक रोएन से भी हारे, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। और मुझे लगता है कि मैट हार्डी जाने वाले ऑल एलीट रेसलिंग में काफ़ी हद तक पॉसिबल है, तो मैट हार्डी अगर वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, वो अपना टैलेंट लेके जाएंगे, और अगर डार्क ऑर्डर के साथ उनको इन्वॉल्व किया जाता है तो वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन्स बन सकती है, जो कि AEW में हमें देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्ट दे रही है, और मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ। लिस्ट में बढ़ते हैं अपने अगले नाम की तरफ, तो वो है गाइज साशा बैंक्स का। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे आप इस बात से डिसएग्री नहीं करेंगे कि अगर मैं 4 हॉर्सवुमेन के नाम लूँ, बेली, साशा बैंक, शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच, तो साशा उनमें से एक ऐसा नाम है
जो कि प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। WWE इसको ढंग से यूज़ नहीं करती है और उतना फोकस कभी नहीं करती है साशा बैंक्स पे, जबकि उन्होंने NXT में प्रूव करके दिखाया है कि वो वन ऑफ द बेस्ट मैचेस दे सकती हैं और वन ऑफ द बेस्ट फ्यूड्स का अगर उनको पार्ट बनाया जाता है तो वो उसमें बहुत अच्छे से निखर कर आती हैं। मुझे लगता है कि WWE गिव अप कर चुकी है साशा बैंक्स पे, विंस को कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। जिस तरीके से साशा का एटीट्यूड भी रहा है वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि साशा को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डिजर्व करती हैं और उनको एक टॉप स्पॉट पे WWE को रखना चाहिए, लेकिन WWE उस बात से डिसएग्री करती है और यहाँ पर कुछ दिक्कतें हो जाती हैं जिसकी वजह से उनको उतना अच्छा पुश नहीं मिल पाता। तो मेरे हिसाब से अगर वो AEW में जाती हैं तो सारी नज़रें जो हैं वो उनके ऊपर होने वाली हैं और मुझे लगता है कि वो पूरी डिवीज़न की लाइमलाइट बन जाएंगी। उसकी वजह से डिवीज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी और WWE में उनको कभी इतनी लाइमलाइट नहीं मिलने वाली, इतना सक्सेस नहीं मिलने वाला है। अगर वो AEW में चली जाएंगी तो वो उनके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस, तो वो है द रिवाइवल का, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत है। रिवाइवल की जो बुकिंग रही है पिछले कुछ महीनों में बहुत बेकार रही है। उनको पहले रैंडी ऑर्टन के साथ जोड़ दिया गया था, अब वो बेसिकली सेथ रॉलिंस के साथ जुड़ गए हैं, कर क्या रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है। कभी चैंपियन बन जाते हैं, कभी टाइटल हार जाते हैं और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं साइन कर रहे हैं फिर से। तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर बात है जो कि हमें दिखाई दे रही है किस तरीके से, कि बस वो वेट कर रहे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो, और प्रॉबेबली ऑलरेडी वो बात कर चुके हैं AEW से किस तरीके से वो उनकी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। और डेफिनेटली हम जानते हैं कि अगर द रिवाइवल जैसी टैग टीम AEW में जाएगी तो ना कि वो अपना करियर बचाएंगे बल्कि एक बहुत अच्छी टॉप की टैग टीम भी बन जाएंगे फिर से। और फिर फाइनल नाम जो आता है गाइस लिस्ट में, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग शॉक होंगे और प्रॉबेबली इसका होने का चांस भी काफ़ी कम है, लेकिन ये है एलिस्टर ब्लैक का। और ये मैंने इसलिए डाला इस लिस्ट में गाइस क्योंकि ये टाइटल को जस्टिफाई करता है कि क्योंकि अगर एलिस्टर ब्लैक WWE छोड़कर चले जाते हैं AEW में तो वो अपना करियर बचा लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बुकिंग मुझे रॉ पर लग रही है गाइस, इट्स एब्सोल्युटली नॉट राइट। और मेरे हिसाब से यहाँ पे ये होना चाहिए कि एलिस्टर ब्लैक को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाया जाए, उनको लगातार विक्ट्रीज दे ही जाएँ, लेकिन एक चैंपियनशिप का मौका दिया जाए, कुछ और बढ़िया कराया जाए। एरिक रोवन को हरा के, जॉबर्स को हरा के एलिस्टर ब्लैक कुछ प्रूव नहीं कर पा रहे। वो NXT में सबसे बढ़िया सुपरस्टार थे और अब मंडे नाइट रॉ में एक और रैंडम सुपरस्टार बन चुके हैं जिसके बारे में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एक ऐसा नाम है जो कि मैंने ऐसे ही डाल दिया लिस्ट में, इसका होने का चांस काफ़ी कम है, लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि इन 10 नामों से कौन आपको लगता है AEW में जाएगा, और क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा नाम है जो आप देख सकते हैं WWE से ऑल इलीट रेस्टिंग में जाते हुए, ताकि वो अपना करियर बचा सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।